तो गाइस कल के व्लॉग वीडियो में यूके राइडर ने अरमान मलिक को तो रिप्लाई दिया ही, लेकिन साथ ही साथ में जड प्रभजोत को भी रिप्लाई दिया है। जी हाँ दोस्तों, जड प्रभजोत कई बार अपने व्लॉग वीडियो में यूके राइडर को लेकर के ट्रोल करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ बोल करके पोक करते ही रहते हैं। तो कल यूके राइडर ने जड प्रभजोत को बिना नाम लेते हुए बहुत सारी बातें कही और कहा कि जब वो प्रॉब्लम में थे, जब उनको दिक्कत थी, तो मैंने उनकी पैसे की मदद की थी, लेकिन अब वो मुझे बिना कोई बात के ट्रोल करते ही रहते हैं। तो क्या कहा अनुराग डोबल ने, चलिए मैं आप लोग को उनका व्लॉग वीडियो दिखाता हूँ। मैं जिन लोगों को देख करके बड़ा हूं ना जिंदगी में, मैंने कभी उनसे ना कोई फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं करी। मैंने हमेशा अपना काम करा, हमेशा अपने काम पे फोकस करा, एंड इसीलिए आज की डेट पे भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मॉम डैड खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, दोस्त लोग सब तरक्की कर रहे हैं। इवन बैक एंड पे हम लोगों ने 10 प्रोजेक्ट्स पे और काम करना शुरू करा है। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को मैं देख करके बड़ा हुआ था ना, आज वही लोग हर वीडियो में पोक कर रहे हैं। जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा था ना, आज उन्हीं लोगों के कारण मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। निखिल भाई इज वन ऑफ देम, फ्लाइंग बीस्ट इज वन ऑफ देम, और भी बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को देख करके मैंने एक्चुअली मोटो व्लॉगिंग सीखी है। आई वॉज जस्ट 23 ओल्ड जब मैंने ये सब कुछ शुरू करा था। और भी बहुत सारे लोग हैं, जब मुसीबतें आई थी ना, जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे बिल निपटाए। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल मेरे पे आया था कि अनुराग भाई हेल्प आउट कर दो। मैंने कभी शायद बताई भी नहीं होगी पब्लिकली ये बात, बिकॉज मेरी कर्टेसी थी कि यार जिन लोगों के कारण शायद आज मैं कुछ बन पाया हूँ, अगर उन्हें थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत है तो आई विल डू इट। बट आज मैं देख रहा हूँ कि हर वीडियो में पोक, कभी ये कभी वो। देखो, पोक करने के लिए मेरे पास भी 10 ऑप्शन, मैं भी हर वीडियो में पोक कर सकता हूँ, बट आई वोंट डू इट। ये सिंगल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि पीपल शुड रियलाइज कि लाइफ में ना कभी किसी से जेलस मत होना, अपने काम पर फोकस रखो। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्लॉग्स। आप गाड़ी में व्लॉग कर रहे हो, बाइक पे व्लॉग कर रहे हो, भगवान करे आप लैम्बो में व्लॉग करो। भगवान करे अगर आप आज की डेट पे ही सी न्यूज़ नंबर 1 मोटो व्लॉगर पूछो ना, तो आपका नाम सामने है। आई विल बी हैप्पी फॉर यू क्योंकि मैंने आपसे चीजें सीख करके आगे बढ़ो। तो मेरे को कोई शर्म नहीं अपने इस व्लॉग में कन्फेस करने के लिए, बट एज में, दिमाग में आप बहुत बड़े हो मेरे से, है ना। तो यू शुड रियलाइज कि ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो भी बच्चा हूँ यार, मैं छोटा हूँ, यू नो, मेरे से भी 10 गलतियाँ होंगी, मैं सीख रहा हूँ। बट अगर 35-40 साल की उम्र में आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो ये चीजें ना आपको शोभा नहीं देती। तो यहाँ पर गाइस यूके राइडर ने बिना जट प्रभजोत का नाम लेते हुए काफी कुछ कहा है उनको अपने ब्लॉग वीडियो में। अब इस पर आप लोग जट प्रभजोत को क्या कहना चाहोगे और यूके राइडर क्या कहना चाहोगे, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।